बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आला लग रहा है और अपकमिंग में काफ़ी चीज़ें हैं। म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, एक तो मेरी खुद की आवाज़ में आ रहा है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और दो तीन म्यूज़िक वीडियो आ रहे हैं बतौर एज एन एक्ट्रेस, और उसके अलावा एक लंबे वाले प्रोजेक्ट की बात चल रही है। अभी एक दो दिन पहले मेरी मैनेजमेंट बात कर रही है, तो लेट्स सी क्या होता है उसका। जैसे जैसे बिग बॉस के फिनाले आ रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑडियंस के बीच में आ रहा है। आज के प्रोमो में काफ़ी ज़्यादा हाइप दिखाया गया, दो दुश्मन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये प्रोमो देखी तो कैसा लग रहा है? पता है पहला रिएक्शन क्या था? क्या? यस, मैं आउट हो गई, थैंक गॉड। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो वक्त पे बाहर हुई हूँ बहुत परफेक्ट टाइम पे हुई हूँ। इसकी वजह ये है कि गेम जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें बद से बदतर से बदतरीन होती जाएगी, और मेरी दोस्ती साई के साथ थोड़ी सी कोशिश की गई थी भड़काने की उनको, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो महज और ख़राब हो। तो जब मैंने प्रोमो देखा मैंने कहा मैं बहुत सही टाइम पे बाहर आई, वरना मुझे अपने दोस्त के हवाले से चीज़ें बोलनी पड़ती हूँ, मेरे हवाले से बोलता रिश्ते और बिगड़ते। ये मुझे मंजूर है कि मैं थोड़ा जल्दी बाहर आऊँ, पर ये मंजूर नहीं है कि मैं अपने रिश्ते जो मैंने इतने प्यारे बनाए उसको जहर करके आऊँ। वहीं सही और नेजी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वीडियो में काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि सना सुल्तान अगर देख रही हैं तो हम आपको कुछ बोले। आपने वो एपिसोड देखा? मैंने वो एपिसोड देखा, मतलब नहीं एपिसोड नहीं देखा, वो रील फैन पेजेस भेज रहे हैं मुझे, वो रील वायरल भी हो रही है जहाँ पे वो, इनफैक्ट आज भी कल भी नेजी तो मुसलसल बात करता रहता है मेरे हवाले से, साई भी बोलता रहता है मिस यू। मुझे ये बात याद आती है कि जब मैं घर में मौजूद थी मैं उनको कहती थी पता है कि आप लोग मुझे एक दिन मिस करोगे और बहुत मिस करोगे। नेजी बोलते हैं हमको तो राहत मिलेगी, मैंने कहा अच्छा वक्त बताएगा। और कट्टू मैं घर से बाहर निकली रोज इन लोग मुझे याद करते, तो और क्या चाहिए कि मैं वहाँ से निकल तो गई हूँ पर मेरी यादें उनके दिल से नहीं निकली है। तो मुझे लगता है ये एक सच्ची दोस्ती की पहचान है, और साई के साथ भी जो मेरे इख्तलाफ थे थोड़े बहुत, वो आई एम श्योर कि वो बाहर आएगा। सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी गधा इंसान क्यों नहीं समझ पाया, एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड यू ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड, आई टेल हिम दैट। कृतिका की बात करें तो कृतिका और सना मकबूल की भी फाइट हुई है घर के अंदर, जिस तरह दोनों को कैट फाइट कर रही हैं उन्हें देखकर क्या लग रहा है कुछ? मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है वो, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये दोस्त आपस में दुश्मन बनेंगे ये मुझे पता था। जैसे जैसे गेम आगे जाएगा आप आगे आके देखो चीज़ें और बुरी होती जाएगी। मुझे लगता है कि वो खुदा को पता था कि सना सुल्तान थोड़ी सेंसिटिव है, उसके बस की बात नहीं है, पता चला मैं रोती रहती तो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी से, एक महीना छः दिन की, आई एम वेरी हैप्पी। ना जैसे कि आपके साथ अदनान भी बाहर आए, कहीं ना कहीं अदनान को ट्रोलिंग भी हो रहा है कि डेट पे गए थे क्या वो चार दिन के लिए? जी जी। कि जहाँ सना सुल्तान को लोग देख रहे हैं तो काफ़ी जर्नी तय करके आई हैं, फाइट करके आई हैं, वही अदनान कुछ करके ना करके बाहर इस तरफ फेम बना रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, मुनावर से कंपेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सही है दूसरों से कंपेयर करना जब आप उतने टाइम तक घर में ना टिके? एक्चुअली मैं सच बोलूँ ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। अदनान को भी मैं पिछले 5 साल से जानती हूँ, मेरे बहुत आला दोस्त है, घर में भी उन्होंने जितना उन्होंने भी खेला काफ़ी डिग्निटी से खेला, इनफैक्ट उन्होंने 2 मरतबे मेरा स्टैंड भी लिया, तो आई थिंक वो बहुत अच्छे जेंटलमैन है। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि एक शायद बैड लक थी कि उनको मौका नहीं मिला अपने गेम को ज़्यादा खेलने का, क्योंकि मैं भी ऑनेस्टली स्टार्ट के एक हफ्ते स्लो थी, मेरा गेम भी सेकेंड वीक में उठने लगा और उनको एक वीक हुआ भी नहीं था वो बाहर हो गए, तो मुझे लगता थोड़ा सा उनको और मौका मिलता तो वो शायद और अच्छा साबित होते, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेट था, बस यही बोलूँगी, आई विश कि उनको थोड़ा सा और मौका मिलता। लास्टली जानना चाहूँगी टॉप 3 में किसे देखती हैं आप, जेन्युइन टॉप 3 में किसे देखती हैं? नेजी साई, मैं बायस हूँ तो मैं अपने दोस्तों का नाम लूँगी, उसके अलावा सना मकबूल और रणवीर और लव कटारिया, मैं चाहती हूँ विशाल भी हो, टॉप 5 आपके ये टॉप 5 है, और टॉप 3 हम जानना चाहेंगे, टॉप 3 या टॉप 5? मैंने बोल दिया, बाकी मुझे नहीं, मैं तो अपने दोस्तों का ही नाम लूंगी टॉप 2 में, बाकी आई डोंट केयर, आई वांट माय पीपल टू विन, आई वांट साई एंड निस। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस जो कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं? मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर तो मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ है, मुझे मेरी मंजिल तलाशने में आप सबकी मदद चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जिस तरीके से आपने मुझे घर के अंदर प्यार दिया, बाहर भी उतना ही प्यार दो, एंड आई प्रॉमिस योर आला गर्ल विल मेक यू प्राउड। बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत तो खून में, ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू।
बाहर से निजी को कितना सपोर्ट करने वाले हो आप? बाहर से निजी को कितना सपोर्ट करने वाले? बहुत ज्यादा, मैं कर ही रही हूँ अपने सारे फैन पेजेस, ग्रुप, फैमिली, सबको बोल कर मैं बहुत वोट करवा रही हूँ। नेजी और साई दोनों को इक्वली सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी बहुत दुआ है कि इन दोनों में से किसी एक के हाथ में वोट। और अभी बाहर आ गए तो काम के चक्कर में बिग बॉस फॉलो करना भूल तो नहीं जाओगे? सच बोलूँ हाँ, मैं इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे मुसलसल मीटिंग्स और इंटरव्यूज चालू है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, मैं फॉलो कर रही हूँ रील के हवाले से। मेरे फैन पेजेस मुझे रील्स भेज रहे हैं तो मैं कुछ मिस नहीं कर चाहती। इस बार का बिग बॉस OTT 3 जो है वो अनफेयर हुआ है। अरमान मलिक ने मतलब एक स्लैप करने के बाद भी बाहर नहीं आ पाए वो, क्यों? इसके हवाले से तो मैंने पहले भी बोला है कि जो भी है मेकर्स का डिसीजन है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट डेफिनेटली अरमान जी को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो जो भी है, जिस तरीके के जो उन्होंने मेरे साथ भी किया जाने के पहले, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो या मेरे दोस्त साई को मेरे हवाले से भड़काया, तो मैं अपने मुतालिक बात करूँगी। जो उन्होंने किया वो गलत किया। बाकी वो बाहर आएंगे तो उनको समझ में आ ही जाएगा कि उनको कितनी मोहब्बत या कितना हेट मिल रहा है। हम भी उसके मुंतज़िर हैं। 11 साल की लड़की की रेप का केस चल रहा है अरमान के ऊपर, इससे लोग उसमें कमेंट करते हैं एक्टर सही नहीं, लड़कियाँ सही अपने उनके अराउंड, तो व्हाट डज दैट मीन? क्या करना चाहिए सर? नहीं करना। मैं ऑनेस्टली देखो, मुझे पता नहीं है, ये मैंने अभी किसी से अभी सुना है कि ऐसा कुछ उनके ऊपर लगा है। और अगर उन्होंने ये किया है तो डेफिनेटली मुझे अपनी जो लीगल गवर्नमेंट है, जो लीगल सिस्टम है, उसके ऊपर मुझे लीगल अथॉरिटी से पूरा एतबार है। अगर उन्होंने किया है तो वो देखा जाएगा, उसका उनको अजर मिलेगा बेशक, अगर सच में उन्होंने किया है तो। बट आई जेन्युइनली डोंट नो कि इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है, बट अगर सही है देन ही डिजर्व्स पनिशमेंट। अदनान भी बाहर आया है, जितने स्पीड से वो अंदर गए थे, जितने पावर से वो अंदर गए थे, उतनी पावर से बाहर आ चुके हैं। क्या कहना चाहूँगी? मैं यही बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेट था, मैं अदनान को पिछले 4-5 साल से जानती हूँ और वो डेफिनेटली पावरफुल कंटेस्टेंट मटेरियल है, बट कहीं ना कहीं उनको वक्त लगा अपना गेम अप करने के लिए शायद से। एंड ऑनेस्टली अदनान डेफिनेटली बहुत केपेबल है। मुझे भी पहला वीक मेरा स्लो था, अगर आपने मेरी जर्नी देखी, मैं सेकेंड वीक से हाइप हुई, बट अनफॉर्चुनेटली अदनान का एविक्शन बहुत जल्दी हो गया तो उनको शायद मौका नहीं मिला बतौर कंटेस्टेंट अपना गेम ज़्यादा दिखाने। बट स्टिल उनके लिए भी दुआ है, बिकॉज मुझे पता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। चलो फोटो चाहिए।